हेलो एवरीवन, आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम पाकिस्तान का। इमरान भाई आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जैसे इमरान भाई दुबई से लुथेनिया कैसे आया और लुथेनिया का कंपनी कैसा है, और लुथेनिया आने के लिए भाई ने ना और जॉर्डन से VSF का डेट लिया और उधर कितना दिन लगता है, आज का पूरा डिटेल्स आप लोग के लिए हेल्प के लिए और भाई ने एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोग के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम पाकिस्तान का इमरान भाई आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इमरान भाई दुबई से लुथेनिया कैसे आया और लुथेनिया में है ना अप्लाई करने के लिए कौन सा कंसल्टी से दुबई से किया था, और VSF है ना और जॉर्डन से किया था, जॉर्डन में कितना समय लगता है, आज पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दिया है। जो भी हमारा नया भाई लोग आने के लिए ट्राई कर रहे हैं यूरोप लुथेनिया में, आप लोग के लिए हेल्प होता है। और मैं आज आप लोग के लिए ना चेक रिपब्लिक का बार्नो सिटी भी आप लोग के लिए विजिट कर रहा हूँ। आज मैंने ना बार्नो सिटी गया था। बार्नो सिटी में मैंने फ्रॉम इंडिया केरला का लतीफ़ सर को मिला था, जो दुबई से विजिट करने के लिए आया था। और सिटी में है ना मैंने पूछा था इधर आने के लिए ना, और जैसे दुबई से विजिट में आने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये भी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और लतीफ सर को मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के लिए है ना जितना भी मेरा वीडियो होता है आप लोग के लिए हेल्प के बनाता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं नेपाली हूँ, नेपाल में मैं आपको अपना लैंग्वेज बात करेगा तो फिर हमारा जितना भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भाई लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आप लोग के लिए हिंदी में बताता हूँ। और आप लोग ने भी कमेंट किया था हिंदी में बताएगा तो फिर हमारा जितना भी एशियन भाई लोग के लिए हेल्प होता है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए बनाता हूँ। और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अभी मेरा ट्रक लोड हो गया, अभी मैं लातविया से लोड करके जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया के लिए। मेरा अनलोडिंग प्लेस है ऑस्ट्रिया। ऐसा होता है, अभी मैं ऑस्ट्रिया जाने के लिए सबसे पहले मेरे को है ना लातविया से लुथेनिया, लुथेनिया के बाद में पोलैंड, पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के बाद मेरे को ऑस्ट्रिया मिलता है। और आज मैं आप लोग को लिए ना आज मेरा वीकेंड हॉलीडे चेक रिपब्लिक में, आज मैं आप लोग के लिए विजिट कराता हूँ बर्नो सिटी, विजिट कराता हूँ आप लोग के लिए दिखाता हूँ। और बर्नो सिटी में मैंने फ्रॉम इंडिया केरला का लतीफ सर मिला था, दुबई से विजिट के लिए आया था। और दुबई से कैसे आया, विजिट के लिए कैसा प्रोसेसिंग है, मैंने लतीफ सर से भी बात किया, आज आप लोग के लिए भी हेल्प होता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नेपाली भाई, क्या बहुत अच्छा लगा आपको मिल के ना। और आज हम लोग मिला चेक रिपब्लिक में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान है। इमरान, आप फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान कौन सा गेट वाल? चेक वाल। चेक वाल। बहुत अच्छा लगा आज आपको मिल के ना। सबसे पहले तो है ना हम लोग, मैं जितना भी भाई लोग के लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, आप अभी कौन सा कंपनी में? ये गर्तिका KLP में। लुथेनिया है ना आपका? हाँ लुथेनिया। आप पहले किधर से अप्लाई किया था? हमने दुबई से अप्लाई किया। दुबई से अप्लाई किया था? दुबई से। अभी दुबई से अप्लाई करके आप कितना टाइम हो गया इधर, अभी लुथेनिया आए आप? मेरे को तकरीबन 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। 8 महीना। दुबई में पहले आप लोग कितना टाइम तक ड्राइविंग किया था उधर? दुबई में मैंने 10 साल की अपना गाड़ी था। अपना गाड़ी था, फिर अपना गाड़ी पूरा उधर छोड़ के आया? हाँ, बेच दिया। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आपने ना यूरोप आने के लिए कैसे अप्लाई किया फिर? उधर क्विक सर्विस वाले हैं, उनसे अप्लाई किया, डॉक्टर वाले ऑफिस में। उसने कितना पैसा लिया आप उस टाइम में? उस वक्त हमसे लिया 16,000 दिरहम। 16,000 लिया था। फिर आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट किया था उधर? उधर कुछ नहीं चाहिए, बस लाइसेंस चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, यही बस। फिर आपका है ना जैसे पाकिस्तान का PCC चाहिए नहीं चाहिए जब अप्लाई किया था आपने? कुछ का चाहिए, कुछ का नहीं चाहिए, ये सेम नहीं है। दुबई का PCC चाहिए। मैंने नहीं बनाया था, कुछ आदमियों ने बनाया। जिसका मांगते हैं वो बना देता है, जिसका नहीं मांगते हैं वो नहीं बनाता है। ज़्यादा भाई लोग पूछ रहा था ना PCC चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने नहीं बनाया था, एक दूसरा आदमी था उसका, उन्होंने मांगा था। आपने सिर्फ दुबई का PCC दुबई का बनाया। और फिर आपने उधर कुछ इंटरव्यू हुआ था एक कंपनी में? एक बस थोड़ा टाइम इंटरव्यू हुआ था, बाकी नहीं। फिर आपको जैसे VSF में आपको कितना समय लगा उधर, टाइम कितना लगा था? VSF में हम तकरीबन 15 आदमी गए थे। 15 जॉर्डन में? जी, जॉर्डन में से लगाया। जॉर्डन में से? हाँ जी,
जो पहला आदमी था उसका तो एक महीना लगा जी, मेरे को तकरीबन 3 महीना लगा जी, और किसी किसी आदमी को 6 महीना भी लगा। 6 महीने भी लगा? 6 महीना भी लगा भी सर। जॉर्डन आने में, जॉर्डन जाने के लिए उस टाइम में आपको TRC बन के आया था ना? हाँ, TRC बन के आया था। आप उस टाइम में तो दुबई में नहीं मिलता था? दुबई में अपॉइंटमेंट नहीं मिला, जॉर्डन में मिला। जॉर्डन में मिला। जॉर्डन जाने के लिए आपको उधर क्या क्या सबमिट किया फिर, वो जब BSF में ना? BSF में वो पासपोर्ट, लाइसेंस, यही बस, दोनों पासपोर्ट, लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस। इंटरनेशनल लाइसेंस और जो कंपनी ने भेजता होगा ना, हमारा जो कंपनी ने पेपर दिया था, डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा सबमिट करना पड़ता है। वो हमारा ऑफिस वाला साथ में गया था। ऑफिस वाला साथ में गया था। ऑफिस का नाम क्या बोला था आपने? क्विक सर्विस। क्विक सर्विस, वो लोग लेके गया था आपको? हाँ जी। और जॉर्डन में आप लोग कितना दिन टाइम रुका था? 2 दिन। जॉर्डन में 3 दिन रुका, पहले जब BSF में गया था जी, और जब उठाने गया था TRC, फिर भी 2 दिन रुका। फिर बाद में आपको 2-3 महीने के बाद फिर लेने के लिए भी जाना पड़ेगा? हाँ, लेने के लिए जाना, जिधर भी आप दोगे उधर लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर तो डबल खर्चा होता है पूरा। हाँ, डबल खर्चा होता है। बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे पहले है ना कृतिका में आके अभी क्या क्या ट्रेनिंग होता है जब आपका कंपनी में आया ना आप लोग नया में आते हुए? इधर जो है ना वो पहले तो टेस्ट लेते हैं जी, टेस्ट में आदमी पास हो जाए क्लासेस ऐसे करके तो ये भेजते हैं ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए 54 डेज के लिए भेजते हैं। 54 डेज के लिए आप लोग को? 54 डेज के लिए आदमी के साथ भेजते हैं। डबल ड्राइविंग करना पड़ता है ना? डबल ड्राइविंग के साथ। जब आपका कंपनी आधा तनख्वाह देते हैं, जब आप लोग का कंपनी में आता है ना नया भाई लोग, जब आप लोग उस टाइम में ट्रक है ना आप लोग का टेलर रिवर्स करना लगा? हाँ, रिवर्स करना सब कुछ लगाते हैं, वाई सेम में लगाते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी ओके बोलता है उसके बाद फिर आपको कोड 95 है ना? वो कोड 95 जो है ना वही पूरा पेपर उधर ही दे देते हैं और ट्रेनिंग में भेजते हैं तकरीबन 54 डेज के लिए, तो वापस आके गाड़ी दे देते हैं। वापस आके अगर कोई दूसरा हो स्टूडेंट तो उसके साथ भेज देते हैं। सही है, स्टूडेंट का 300 अलग देते हैं। अलग देता है। फिर अच्छा, अभी तो कितना दे रहे हैं आप लोग का कंपनी में से लेके? सैलरी तकरीबन हमारा आता है 2000 तक आता है, 2100 स्टूडेंट हो तो ऊपर नीचे होता रहता है। सैलरी हमारा ऊपर नीचे आता है। वो जो काम का हिसाब से आता है। फिर आप लोग को 3 महीने के बाद फिर कंपनी वापस जाता है? हाँ, अभी अकेला जो भेजते हैं वो 70 दिन 80 दिन और डबल ड्राइवर को तकरीबन 50 से 60 दिन तक। फिर बाद में उधर जाके कितना रोकना पड़ता है लुथेनिया में? वो मुख्तलिफ है, KLP का है, गर्मीटा का है, दूसरा है, जैसे जैसे उधर है ना फर्म है कंपनी का, वो कोई 5 दिन बिठाता है, कोई 10 दिन बिठाता है, कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देता है। अभी मैं गया था तकरीबन 1 हफ्ते में गाड़ी दे दिया। एक हफ्ते में दे दिया? दे दिया। बहुत अच्छा लगा। और आपको है ना दुबई में और इधर ड्राइविंग के कैसे लगा आप ड्राइविंग? उधर भी अच्छा था, इधर भी अच्छा। उधर दुबई में थोड़ा अपना खुश होना चाहिए, काम के हिसाब से अपना खुश होना पड़ेगा। काम से खुश होना पड़ेगा। दुबई में ऐसा रिजल्ट अल्लाह की जात देने वाली है जी, इधर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। जी जी, ये तो बहुत अच्छा है। और दुबई में ऐसा होता है ना गल्फ में हम लोग को खाने के लिए खाना हर जगह पे मिलता है, खाने की टेंशन इधर है। खाने की तो यूरोप में टेंशन है, वो तो नहीं मिलेगा। वो ये इधर खाने का टेंशन है, लेकिन जॉब के काम के लिए तो अच्छा है। हाँ, काम के लिए ठीक है। अभी जो भी नया भाई लोग आता है ना अभी, उसके लिए क्या है, आने के लिए अच्छा है? नहीं, अपना पैसा भी कमाओ, पूरा यूरोप भी देखो जी। हाँ, आ सकता है ना? अच्छा है, आ सकता है। ये भी अच्छा ना, आपका आदमी पैसा लगा के देखता है, हम पैसा लेके देख रहे हैं। बहुत अच्छा बात किया। सही बात, सही बात है। इधर आदमी करोड़ों के हिसाब से जो है ना लगा के पैसा तो इतना नहीं देख सकता है जितना हम पैसा इनसे लेके देख रहे हैं। फ्री में देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ना आपका, आपको मिला बहुत अच्छा लगा। खुश रहना चाहिए, अल्लाह के हर जो है ना सबको देने पे शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और आपने भी मेरा वीडियो देखा था दुबई में, अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस भाई का वीडियो जो है बहुत आम है जी। सब लोग देखते हैं। सबको हेल्प हुआ है ना, आप लोग को भी हेल्प हुआ। भाई साहब हमको मिल गया
तो हमने बोला कि हमारा भी बनाओ जी। हाँ बहुत अच्छा लगा। हम मैं सब हर ड्राइवर के लिए बनाता है हमारा, जितना भी एस एन भाई लोग के लिए हेल्प के लिए ना। ओके है, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके ना। ओके सलाम वालेकुम। वेलकम टू चेक रिपब्लिक ब्रनो सिटी। ब्रनो चेक रिपब्लिक का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। ये अपनी आधुनिक इमारतों के लिए जाना जाता है, और जैसे कि पूर्व निर्मित विला तुगेन हाट, जिसे 1930 में वास्तुकार मिस भैन देर रोहे ने पूरा किया था। आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग भी सिटी विजिट करने के लिए और सिटी आ रहा है तो आप लोग के लिए ये ट्राम मिलेगा। ये ट्राम से ना आपको ये सिटी पूरा आप विजिट कर सकते हैं, और ट्राम में जो आप लोग बैठ के घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ, आज मैं आप लोग के लिए सिटी भी दिखाता हूँ, और जो ब्यूटीफुल सिटी होता है इधर यूरोप का सिटी है ना, और इसके लिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। हेलो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं चेक रिपब्लिक में आया हूँ। इधर मेरा वीकेंड ब्रेक था, मैंने विज़िट किया। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और सिटी आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। अभी बहुत ठंडा जो विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया ऐसा होता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए भी सिटी दिखाता हूँ, बाद में आप लोग भी आ सकते हैं। एक ऐतिहासिक और देखने में आकर्षक चर्च मेरे को देखने के लिए मिला, और मैंने आप लोग के लिए भी दिखाता हूँ, और आप लोग भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं। और जब भी आप लोग ब्रनो सिटी आएगा तो सबसे पहले आपको ये आपको देखने के लिए मिलता है। अभी मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ, मैं अभी आया मेन सिटी सेंटर में। आप लोग देख सकते हैं ब्रनस फाउंटेन शहर के सबसे महत्वपूर्ण बारूक स्मारकों में से एक है। आसपास के आकर्षणों थिएटर और ओल्ड टाउन हॉल और आपको देखने के लिए मिलता है। सेंट पीटर और पॉल का कैथेड्रल शामिल है। आज हमने आपको मिला, बहुत अच्छा लगा ना। आपका नाम क्या बता दीजिए? लतीफ। लतीफ लतीफ, आप दुबई से आया? दुबई से आया विजिट करने के लिए। फ्रॉम केरला, इंडिया। इंडिया केरला का, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम लतीफ है ना, अच्छा लगा। और आप है ना, ये कौन सा कंट्री में आया जब विजिट करने के लिए? स्लोवाकिया में आया। विजिट में आया, विजिट पे आया। कितना मिलता है विजिट के लिए आने के लिए? मुझे 180 डेज का मिला है, 6 महीने का। 6 महीने का मल्टीपल एंट्री, शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा, यस। फिर अभी आप कितना रुकेगा इधर? अभी 3-4 दिन के बाद जाएंगे। कितना कंट्री आपको विजिट किया अभी तक? अभी मैं वियना में आया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, वहाँ से स्लोवाकिया गया जी, फिर वहाँ से इधर आया चेक रिपब्लिक। कल फिर ऑस्ट्रिया में जाएगा। अभी आप तो दुबई में जॉब करता है ना? जी जी। आपका जॉब क्या ना, क्या बोला आपका कंपनी नाम, थोड़ा बता दीजिए सकते हैं? कंपनी अलहरमेन परफ्यूम्स जी, दुबई। दुबई से? यस। और आपको यूरोप कैसे लगा? अच्छा है, बहुत चला है, बहुत अच्छा लगा। क्लीन सिटी, बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन। लेकिन अभी थोड़ा मौसम क्लाइमेट चेंज हो गया है, बहुत ठंडी है, वजह से सब पहना है। बहुत अच्छा लगा आप इधर मिला है ना। अभी आप ब्रनो में आए, अभी कितना कंट्री जाएंगे आप विजिट करेगा? अभी 3 कंट्री। फिर इटली, जर्मनी नहीं जाएगा? नहीं, जर्मनी नहीं जाएगा अभी। अच्छा है ना, फिर आपने है ना, आपको उधर जब है ना अप्लाई करता है ना विजिट के लिए, कितना पैसा लगता है उधर? तकरीबन 900 दिरहम। और उसमें खुद बैंक बैलेंस चाहिए? बैंक स्टेटमेंट कितना? वो कंपनी का मेरा। आपको तो कंपनी स्पॉन्सर किया, लेकिन आपको इतना स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा 3 महीने का। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, उसमें फिर बाद में आपको मिलता है ना। बहुत अच्छा लगा अभी, फिर मैं आपको मिला अभी अच्छा हुआ है जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आप लोग देख सकते हैं अभी जब आप लोग के लिए ना, आप लोग का पास वीकेंड हॉलीडे है तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। और जब हम लोग सिटी आएगा तो हम लोग को बहुत चीज़ देखने के लिए मिलता है, जैसे इधर का कल्चर कैसा होता है, और यूरोपियन कल्चर होता है, और आप लोग को लिए यूरोपियन फूड खाने के लिए मिलता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इधर आके खा सकते हैं, ये बहुत सस्ता मिलता है इधर जो बाहर ओपन एरिया में। और ऐसा फेस्टिवल भी होता है इधर,
और इसके लिए आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।